जय हिंद दोस्तों, UDCRI में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अभी हम बात करेंगे इंडियन T20 लीग का। दोस्तों जो अगला मैच है जो कि खेला जाएगा ऋषभ पंत के दिल्ली कैपिटल्स और शुभमन गिल के गुजरात टाइटंस के बीच में। दोस्तों दोनों ये कप्तान नए हैं। दोस्तों खैर शुभमन गिल का तो ये फर्स्ट सीज़न है, बट ऋषभ पंत पहले भी कप्तानी कर चुके हैं। तो देखते हैं दोस्तों क्या मैच रहता है, दोस्तों कौन सी टीम अच्छा करती है। बाकी यहाँ से दिल्ली के बैट्समैन कहर मचा के रखा है दोस्तों, स्पेशली जे फेजर मैग्रक ने दोस्तों क्या बैटिंग करे। ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर के ओपनर बैट्समैन है दोस्तों, और बहुत ही बेहतरीन बैटिंग करे, वन डाउन बैटिंग करते हैं IPL में दिल्ली के लिए। और यहाँ से दोस्तों खैर गुजरात के पास भी स्पेंसर जॉनसन, मोहित शर्मा, फिर आपके आ गए यहाँ नूर अहमद, राशिद खान जैसे तगड़े बॉलर्स हैं। तो बैट्समैन वर्सेस बॉलर्स के करीब यहाँ से करा मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। तो कौन सी टीम बाजी मारेगी दोस्तों, इस वीडियो में सब कुछ आपको बताया जाएगा। दोस्तों चलिए अभी के लिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट दोस्तों शुरू करने से पहले ना आपको कुछ अपडेट्स और कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी है दोस्तों। जैसे कि अगर आपने अभी तक हमारे लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। देखिए ये हमारा ऑफिशियल चैनल है दोस्तों, UDCR है दोस्तों, इसको आपको सब्सक्राइब करके रखना है। क्योंकि दोस्तों आपको ना हर दिन दोस्तों हर मैच के शुरू होने से ठीक देर से दो घंटे पहले, कितने देर से दो घंटे पहले दोस्तों आपको एक प्राइम GL की टीम दी जाएगी। देखिए UDCR है प्राइम GL टीम्स, एक प्राइम ग्रैंड लीग की टीम वाली वीडियो आपको यहाँ से अपलोड की जाएगी आप सभी के लिए। उसमें दोस्तों आपको 15-20 टीमें दी जाती है दोस्तों सिर्फ आपके लिए। दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, वो वीडियो देखना है, उस वीडियो में 15-20 ग्रैंड लीग की टीम्स हम देते हैं। बाकी इस वीडियो के एंड तक आपको स्मॉल लीग की प्राइम टीम हम प्रोवाइड कर देंगे दोस्तों। तो आप बोलेंगे ये सब कुछ आपको कैसे सबसे पहले मिल सकती है दोस्तों, ये सब कुछ ना आपको सबसे पहले अगर आपको चाहिए ना, सभी से पहले अगर चाहिए तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा दोस्तों, और यहाँ से देखिए नोटिफिकेशन को ऑल करना होगा। तो अगर नोटिफिकेशन को ऑल करेंगे ना तो आपको ना हमारे वीडियोस जब हम अपलोड करेंगे ना तो सबसे फर्स्ट आपको ही नोटिफिकेशन आएगा दोस्तों, अगर आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन कर दोगे दोस्तों। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, एक लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। और सेकंड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करना है, और उस बॉक्स में दोस्तों देखिए ज्वाइन आवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। दोस्तों ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, जहाँ पर हम ऑफिशियल अपनी प्राइम टीम्स प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। अगर आप चाहते हो आप हमारे प्राइम टीम से खेलो दोस्तों, जो हम चाहते हैं हमारे सभी जो सब्सक्राइबर्स हैं ना वो वन साइडेड क्लीन स्वीप करें, और हम नहीं चाहते कि हमारे सब्सक्राइबर्स का कुछ भी नुकसान हो दोस्तों। तो दोस्तों आपको ना ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, इस लिंक पर क्लिक करने से ना ये डायरेक्टली आपको हमारा जो प्राइम ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है जो कि है ये दोस्तों, इस पर लेके आएगा। यहाँ पर ना आपको नीचे देखिए ब्रॉडकास्ट का बटन आपको दिख रहा होगा ना, यहाँ पर आपको ज्वाइन का बटन दिखेगा दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर ज्वाइन हो जाना है दोस्तों। देखिए इस मैच में दोस्तों ये हमारी स्मॉल लीग की टीम थी, जडेजा ने बैटिंग से भी पॉइंट दिया, अभी बॉलिंग से भी देंगे, मोहसिन खान ने अच्छी बॉलिंग की, इनको विकेट मिला, ये हमारे टीम में। यहाँ से फिर देखिए आपके ऋतुराज गायकवाड़ तो अच्छी बैटिंग कर ही रहे दोस्तों अभी तक, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो देखिए हमारे पास ना डेरी मिचेल है ना रहाणे है दोस्तों, क्यों, क्योंकि हम जानते थे ये कुछ नहीं करेंगे ना, इसलिए हमने इनको टीम में रखा ही नहीं ना। शिवम दुबे है जो अच्छा कर रहे हैं दोस्तों। देखिए इसके अलावा दोस्तों यहाँ देखिए हमारी टीम, देखिए दोस्तों हमने गायकवाड़ को कप्तान बना के रखा है ना। देखिए यहाँ से KL राहुल की पारी आनी अभी तो बाकी है दोस्तों, ये हमारी जो मिनी ग्रैंड लीग्स की टीम है। तो अगर कोई बंदा दोस्तों इस टीम से खेला होगा ना वो वन साइडेड मिनी GL विन कर रहा होगा दोस्तों अभी तक। इसके अलावा दोस्तों आपको दिखाते हैं दोस्तों इससे ये इस मैच का रिजल्ट आना तो अभी तक बाकी है, बट इससे पहला मैच
जिसका रिजल्ट आ चुका है दोस्तों, किया है 57 करोड़ वाली लीग है दोस्तों, 1,36,00,000 प्लस लोग खेल रहे हैं दोस्तों, जहां पर दोस्तों हमारी रैंक 56,000 प्लस यहां से क्लोज हुई दोस्तों, कितनी 50,000 पर रैंक हमारी क्लोज हुई दोस्तों। तो यही है दोस्तों, तो अगर आप चाहे तो इस तरीके की टीम आपको मिले ना, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्तों, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हुए लिंक से दोस्तों आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है दोस्तों, तभी ना आपको प्राइम टीम्स मिलेंगी ना, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। आप किसका इंतज़ार कर रहे हो? अभी दोस्तों यहाँ से आपको प्राइम स्टैट्स, प्राइम अपडेट्स आपको सबसे पहले हमें देनी होगी दोस्तों, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, उसके लिए ना हमें यहाँ से आना है, हम ना दोस्तों एक एक करके हर चीज़ दोस्तों डिटेल में डिस्कस करते हैं, इसलिए हमारी प्रेडिक्शन ना कभी गलत नहीं जाती दोस्तों। तो देखिए यहाँ से दिल्ली की तरफ से देखिए, लास्ट पाँच में से दोस्तों दो मैच दिल्ली की टीम ने जीता है दोस्तों, और गुजरात की टीम ने लास्ट पाँच में से तीन मैच जीते हैं, सॉरी दो मैच जीते, दोनों ही टीम ने दो दो मैचेस अपने नाम किए हैं दोस्तों। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब है दोनों ही टीम अभी तक फॉर्म से तो जूझ रही है दोस्तों, इसमें कुछ दोहरा है नहीं, तो दोनों टीमों को अच्छा करना होगा, अभी भी बहुत टाइम बाकी है, अभी भी हाफ इनका यहाँ से बाकी है दोस्तों मैच, तो सिर्फ 7 या 8 मैच हुए हैं दोस्तों सभी टीमों के, तो अभी भी यहाँ से बहुत मैचेस बाकी है, 6-7 मैचेस अभी भी बाकी है दोस्तों, तो अच्छा करके जा सकती है दोस्तों दोनों ही टीम। तो यहाँ से दोस्तों वेन्यू की बात करें, वेन्यू कौन सा है? वेन्यू में दोस्तों अरुण जेटली स्टेडियम है दोस्तों, अरुण जेटली दिल्ली का ये ग्राउंड है दोस्तों। बाकी ऐसे पिच की बात करें, एक बैटिंग पिच आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर पेसर्स को डोमिनेट करेंगे दोस्तों, यहाँ सब सभी को बताया। वेदर की बात करें, बारिश का कोई आसार मुझे दिख नहीं रहा। लास्ट जो 5 T20I मैचेस खेले गए दोस्तों, यहाँ से अगर हम रिकॉर्ड को देखें, टोटल यहाँ से 207 बने हैं दोस्तों, कितने बने? 207 दोस्तों इस ग्राउंड पर बने हैं दोस्तों, जहाँ पर दोस्तों आपको पेसर्स और स्पिनर्स ने लगा है, से लगभग बराबर का ही दोस्तों आपको कंट्रीब्यूट किया है दोस्तों, बाकी एवरेज जो स्कोर है वो देख सकते हो, 207 का एवरेज स्कोर आपको देखने को मिल रहा है, मतलब समझ पा रहे हो ना दोस्तों कितनी बेहतरीन ये बैटिंग ट्रैक है, तो बैट्समैन एंजॉय करेंगे दोस्तों। हेड टू हेड रिकॉर्ड को देख लेते दोस्तों, टोटल 5 सालों में ना, तो गुजरात की टीम तो नहीं है दोस्तों, इनका ये 3rd सीज़न है, तो आप मान के चलिए 3 सीज़न है, 3 सीज़न में टोटल 4 मैचेस खेले गए, 2 मैच दिल्ली की टीम ने जीता, 2 मैच गुजरात की टीम ने अपने नाम किया है, तो वही है दोस्तों, कुछ ज़्यादा फ़र्क तो है नहीं, लगभग बराबर मैचेस ही जीते। टोटल पॉइंट्स की बात करें, मैं जेम्स यहाँ से फेजर मैग्रख ने अच्छी बैटिंग की, यहाँ से ऋषभ पंत और कुलदीप यादव टीम के लिए टॉप परफॉर्मर्स है। हायरस दोस्तों गुजरात की तरफ से साई किशोर ने लास्ट मैच से बेहतरीन परफॉर्म करके आए थे, यहाँ से राशिद खान ने अच्छा परफॉर्म करा, शुभमन गिल भी अच्छा करके दे रहे अपनी टीम के लिए, तो बाकी बैटिंग ऑर्डर का आपको हम बता ही देंगे ना आगे। तो ये तो हो गई एक बात, अभी दोस्तों यहाँ से एक और चीज़ आपको देखना है दोस्तों, उसके लिए हमें फैन कोड को ओपन करना पड़ेगा, तभी दोस्तों हमको वो अपडेट मिलेगा। तो यहाँ से दोस्तों हमें शेड्यूल पर जाना होगा, शेड्यूल पर जाने के बाद ना यहाँ से हमें IPL को देखना पड़ेगा, तो IPL का तो दोस्तों ये रहा दोस्तों, तो चेन्नई की टीम लाजवाब बैटिंग कर रही है दोस्तों, इसमें कुछ दोहराई तो है नहीं, तो ये हमें देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले फैंटेसी के सेक्शन पर जाएंगे, तो यहाँ से ना हमें कुछ आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो वेन्यू और टीम स्टेट्स की बात करें, तो देखिए अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली का ये ग्राउंड है दोस्तों, अब सभी को बताया। यहाँ से फिर देखते पिच रिपोर्ट की, पिच रिपोर्ट दोस्तों हमने पहले बताया दोस्तों, बैटिंग पिच है यहाँ से दोस्तों, जहाँ पर पेसर्स को आपको यहाँ से देखने को मिलेगा कर्छा करते हुए। फिर दोस्तों यहाँ से अगर हम देखें दोस्तों, टॉप परफॉर्मर्स एट दिस वेन्यू दोस्तों, टॉप परफॉर्मर्स इस ग्राउंड पर कौन कौन है वो देखना होगा दोस्तों हमें। तो टॉप परफॉर्मर्स की बात करें, तो यहाँ से ना बैटिंग से देखिए, जेम्स फेजर मैग्रख ने एक मैच ही खेला इस ग्राउंड पर, 65 रन्स इन्होंने स्कोर किया था, 361 के स्ट्राइक रेट के साथ ये स्कोर कर रहे हैं। साई सुदर्शन ने एक मैच 62 किया था, डेविड वार्नर ने 38, डेविड मिलर ने 31, विजय शंकर ने 29 और अक्षर पटेल 21 के एवरेज के साथ स्कोर करते हैं दोस्तों इस ग्राउंड पर।
बॉलिंग में देखिए राशिद खान ने एक ही मैच खेला जिनमें इन्होंने 3 विकेट निकाला था। कुलदीप यादव ने 8 मैच में दोस्तों 1 विकेट प्रति मैच की औसत है। मोनू यहाँ से मुकेश कुमार का सेम है दोस्तों, नोकिया का भी सेम है दोस्तों, कुछ ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस है नहीं। तो एवरेज जो फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर है वो आपको 207 का देखने को मिलेगा, दोनों इनिंग्स को अगर आप मिलाए तो 189 का आपको देखने को मिलेगा एवरेज स्कोर दोस्तों। T20 स्टैट्स की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ से हमें कुछ कंपैरिजन देखना पड़ेगा दोस्तों, एक चीज़ देख लेते हैं। तो यहाँ से 2 मैच दिल्ली ऐसे जीती देखते हैं। तो लास्ट सीज़न जो मैच हुआ था 17 अप्रैल 2024 को, उसमें दिल्ली की टीम ने यहाँ से गुजरात को यहाँ से ऑल आउट कर दिया था 92 रन्स करके। इन्होंने 8 ओवर में ये स्कोर अपने नाम किया था दोस्तों यहाँ से। उससे पिछला वाला सीज़न दो सेकेंड में 2023 को खेला गया था, इसमें भी दोस्तों 20 ओवर में गुजरात की टीम 125 ही बना पाई, 130 रन्स करके यहां से गुजरात यहां से डीसी के टीम ने यहां से मैच को जीत लिया था। विनिंग चांसेस की बात करें लगभग बराबर ही है दोस्तों, मैं 50-50% मान सकता हूं। बाकी यहां से 47% चांस है कि दिल्ली मैच जीतेगी और 53% है चांस है कि गुजरात की टीम दोस्तों ये वाला मैच अपने नाम कर जाएगी दोस्तों। ये तो हो गई बात। अभी दोस्तों यहाँ से हमारी प्राइम यहाँ से जो हमने नोट्स रेडी किए आपके लिए वो देखना होगा ना आपको। तो द मच एंटिसिपेटेड क्लैश 40th मैच ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग 2024 विल सी दिल्ली कैपिटल्स टेक ऑन गुजरात टाइटन्स। अब सभी को बताया दिस हाई प्रोफाइल एनकाउंटर इज शेड्यूल्ड फॉर 24th अप्रैल एट अरुण जेटली स्टेडियम। अब सभी को बताया अरुण जेटली पर ये मैच है। दिल्ली विल बी लुकिंग गुड टू बाउंस बैक आफ्टर लॉस इन हाई स्कोरिंग मैचेस। तो दिल्ली ने बाउंस बैक करने की कोशिश ज़रूर करेगी दोस्तों। हाई स्कोरिंग मैच यहाँ से सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ हुआ था, फिर भी यहाँ से अच्छी बैटिंग इन्होंने की थी। मीनवाइल गुजरात केम इनटू द कॉन्टेस्ट विथ मोमेंटम ऑन देयर साइड हैविंग सिक्योर्ड विक्ट्री अगेंस्ट पंजाब किंग्स। पंजाब किंग्स के विरुद्ध ये जीत के आई है दोस्तों, मोमेंटम इनके पास है। बोथ टीम्स विल बी एमिंग टू सोलिडिफाई देयर पोजिशन इन प्लेऑफ्स। तो प्लेऑफ्स के लिए दोस्तों अपनी दोनों टीम यहाँ से अपनी दावेदारी दोस्तों यहाँ से मजबूत करना ज़रूर चाहेगी। मैच का प्रीव्यू देख लेते हैं। दिल्ली कैपिटल्स विल होस्ट गुजरात टाइटन्स। इन सभी को बताया 40वां मैच है, 40th मैच है। तो टाइटन्स हैड अनफॉरगेटेबल ओपनिंग एट होम इन अहमदाबाद। व्हेन शुभमन गिल एंड कंपनी ट्रेवल टू अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली विल लुक टू अटोन फॉर द 6 विकेट लॉस। लास्ट मैच जो हुआ था इस सीजन दोस्तों उसमें आप सभी को बताया गुजरात की टीम 82 या समथिंग पर ऑल आउट हो गई थी, वेयर एज यहाँ से 8 ओवर में 90 यहाँ से चेस कर लिया था दोस्तों दिल्ली की टीम ने, 8 ओवर में चेस कर लिया था। इन द लास्ट मीटिंग गुजरात वर बंडल्ड आउट फॉर 89 सॉरी मैंने थोड़ा कम बोल दिया 82 नहीं 89 पर टीम ऑल आउट हो गई थी। पूर बैटिंग का डिस्प्ले में देखने को मिला, बैटिंग इन रिप्लाई दिल्ली ओवरकम द टारगेट इन 8.5 ओवर्स 8.5 ओवर्स में टारगेट को चेस कर लिया था। However, the visitors will come in as a more confident unit after winning in the last game against Punjab Giants. Punjab Kings के विरुद्ध जीत करना ये momentum के साथ आना यहाँ से आएगी दोस्तों ये टीम, अब सभी को पता है। तो they are currently in the 6th position in points table with 4 wins and 8 points for 8 matches. तो 8 में से 4 मैच जीत के यहाँ से 6th position पर है। ऑन द अदर हैंड दिल्ली ने यहाँ से हैदराबाद के विरुद्ध एक ह्यूमिलेटिंग लॉस फेस करके आई। तो यहाँ से दोस्तों ये अभी 8वें नंबर पर है दोस्तों पॉइंट्स टेबल पर, यहाँ से 6 पॉइंट के हिसाब मतलब 3 मैच जीते 8 में से। तो अभी दिल्ली और जीटी का अगर आप मैच को देखें वेन्यू देख लीजिए, वेन्यू अरुण जेटली स्टेडियम है। पिच रिपोर्ट की बात करें तो अरुण जेटली स्टेडियम बोट्स बेटर फ्रेंडली पिचेस आइडियल फॉर हाई स्कोरिंग एनकाउंटर। द फ्लैट विकेट विथ लो बाउंस अलाउज बैट्समैन टू प्ले फ्रीली विथ पेसर्स माइट फर्न सम आर्ली स्विंग ऑन द स्पिनिंग वुड कम अप इन प्ले इन लेटर इनिंग्स एस्पेशली विद द इवनिंग ड्यू पोटेंशियली न्यूट्रलाइजिंग द इनिशियल एडवांटेज। गेट रेडी फॉर एन एक्साइटिंग एंड पोटेंशियली हाई स्कोरिंग मैच एट दिस बिन। तो हाई स्कोरिंग मैच हमें देखने को मिल सकता है दोस्तों, तो आप इसका वेट ज़रूर करना।
दोस्तों प्रोबेबल प्लेइंग 11 देख लेते तो अभिषेक पौरेल, ऋषभ पंत, डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ, ट्रिस्टन स्टब्स, ईशांत शर्मा, अक्षर पटेल, यहाँ से कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, खलील अहमद, जेक फेजनर, मैकग्रा दोस्तों आपके प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से गुजरात टाइटन्स की तरफ से अभिनव मनोहर, रिद्धिमान साहा, यहाँ से आर साई किशोर, डेविड मिलर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, अजमतुल्ला उमर जाय, शुभमन गिल, नूर अहमद, मोहित शर्मा, संदीप वॉरियर रहेगी प्लेइंग 11 गुजरात टाइटन्स की। इंजरी एंड अवेलेबिलिटी की बात करें, ईशांत शर्मा यहाँ से बैक स्पाजम्स के कारण लास्ट मैच यहाँ से मिस कर गए थे दोस्तों, बाकी इस यहाँ से इस मैच भी इनकी वापसी हो सकती है। बाकी पिच रिपोर्ट, हैदराबाद बैटर्स वेंट मैड ऑन द ग्राउंड, दे फेस दिल्ली इन द लास्ट गेम विथ स्कोरिंग 465 रन्स वेयर स्कोर्ड हियर, एक ही मैच में 465 रन स्कोर हुआ था। द पिच इज लाइकली टू बिहेव द सेम वे एंड वी कैन एक्सपेक्ट अनदर बैटिंग फ्रेंडली गेम ऑन वेडनेसडे, ऑल द बैटर्स यूजली हैव द अपर हैंड, पेस बॉलर्स विल ऑल्सो गेट सम हेल्प। दोस्तों यही है अभी दोस्तों यहाँ से ना कुछ चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी दोस्तों, जैसे कि ये देखिए आपको मैंने तो पहले बताया दोस्तों, स्पिनर्स पेसर्स के लिए 60% ग्राउंड है, 40% दोस्तों ये स्पिन बॉलिंग का यहाँ से हेल्प करेगी दोस्तों। बाकी पिच की बात करें 70% बैटिंग पिच है, 27% ये बॉलिंग पिच है। तो टोटल यहाँ से 3 मैच में 2 जीटी ने जीता, 1 दिल्ली ने जीता। यहाँ से दोस्तों 5 मस्ट पिक प्लेयर्स एट दिस वेन्यू की बात करेंगे तो ऋषभ पंत, मैथ्यू वेड आपके लिए ग्रैंड लीग की पिक है, पृथ्वी शॉ, राशिद खान और शुभमन गिल दोस्तों, ये कुछ 5 प्लेयर्स आपके लिए मस्ट पिक ऑप्शन में रख रहा हूँ दोस्तों। अभी मोस्ट विकेट्स की बात करेंगे, मोस्ट विकेट्स दोस्तों कुलदीप यादव का था, 5 मैच में 10 विकेट्स अपनी टीम के लिए निकाला हुआ है, मतलब 2 विकेट प्रति मैच का इनका औसत है। खलील अहमद 8 मैच है 10 विकेट, मतलब हर मैच में ये बंदा विकेट निकाल रहा है दोस्तों। मोहित शर्मा भी दोस्तों हर मैच में ये बंदा विकेट निकाल रहा है। मुकेश कुमार 5 मैच में 9 विकेट, ये भी औसतन 2 विकेट प्रति मैच के औसत के साथ ये विकेट निकाल रहे हैं। राशिद खान 8 मैच 8 विकेट, मतलब एक आधा विकेट निकाल लेते, इससे ज़्यादा आप इनसे एक्सपेक्ट मत करना कुछ। उमेश यादव 6 मैच में 7 विकेट, ये एक मैच में 2 विकेट निकालते, एक मैच में 0, कुछ इस तरह से मिला जुला इनका परफॉर्मेंस रहा है दोस्तों। मोस्ट रन्स की बात करें, शुभमन गिल ने 8 मैच में दोस्तों 298 स्कोर किया था इस ग्राउंड पर। साई सुदर्शन ने 8 मैच में 269 रन इन्होंने टोटल स्कोर किया इस सीज़न। ऋषभ पंत ने 8 मैच में 254, ट्रिस्टन स्टब्स 8 मैच में 199, पृथ्वी शो 6 मैच में 174, डेविड वार्नर 7 मैच में 167। दोस्तों यहाँ से दोस्तों दो चीज़ अभी ये हाईएस्ट स्ट्राइक रेट का देख लेते हैं। हाईएस्ट जो स्ट्राइक रेट है ना वो दोस्तों जेम्स फेजनर मैकग्रा का है दोस्तों 222, फिर ट्रिस्टन स्टब्स, फिर शाहरुख खान, अभिषेक पौरेल, पृथ्वी शॉ और मिचेल मार्श तो आने वाले। बाकी बैक स्ट इकोनॉमी की बात करें, अक्षर पटेल का है दोस्तों 6.82 का, और ऐसे अजमतुल्ला का 9 है, साई किशोर का 7.73, कुलदीप का 7.60, नूर का 7.47 और राशिद खान का 7.27, ये है इकोनॉमी रेट। अभी दोस्तों प्राइम टीम देखते दोस्तों, उसके लिए हमें क्रिकबस को ओपन करना पड़ेगा। आप बोलेंगे क्रिकबस क्यों दोस्तों, क्योंकि लास्ट मैच जो हुआ था ना उसमें हमें कुछ चीज़ें मिलेंगी दोस्तों जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी, जैसे कि ये वाला मैच। इस पे देखिए रिद्धिमान साहा फ्लॉप रहे थे, शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने ठीक ठाक पारी खेली थी 35 और 31 रन की। डेविड मिलर फ्लॉप रहे थे, अजमतुल्ला दोस्तों इस मैच में सिर्फ 2 ही ओवर इनको मिला डिस्पाइट बॉलिंग सच गुड ओवर्स विद इकोनॉमी ऑफ 6.5, ही हैड गॉट ओनली 2 ओवर्स, और बैटिंग से भी दोस्तों कुछ खास इन्होंने किया नहीं है, 13 ही स्कोर कर पाए दोस्तों। राहुल तेवतिया ने 36 स्कोर किया, शाहरुख खान ने 8, राशिद ने 3, साई किशोर ने 0। बॉलिंग से दोस्तों साई किशोर ने 4 विकेट निकाला, नूर ने 2 और मोहित ने 2। तो मेरे लिए ना एक काम करते, इससे पहला वाला मैच जो हुआ था जीटी का दिल्ली के विरुद्ध वो भी देख लेते हैं ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रन आउट हो गए थे साई सुदर्शन, तो साई सुदर्शन मेरे लिए अच्छे इंपॉर्टेंट पिक होंगे दोस्तों, क्योंकि रन आउट हो गए थे, अच्छे प्लेयर हैं। बाकी यहाँ से ना कोई भी बैट्समैन अच्छा नहीं किया दोस्तों, राशिद खान को रखा जा सकता है क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर रहे हैं, फिर बॉलिंग से किसको विकेट मिले वो एक बार चेक कर लेते। तो नूर अहमद को अच्छी यहाँ से ओवर्स तो मिले नहीं है, बाकी राशिद विकेट निकाल रहे दोस्तों। उसके अलावा यहाँ से ना कहा गया हमारे नूर अहमद इम्पॉर्टेंट है, मोहित शर्मा दोस्तों तभी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों जब ये टीम ना फर्स्ट बॉलिंग करे दोस्तों, तो इन आपके लिए इम्पॉर्टेंट बन सकते क्योंकि बॉलिंग से अच्छा करके कंट्रीब्यूट करके जा सकते। बाकी अभी के लिए मैं इन दोनों स्पिनर्स को ही रखूँगा।
फिर दोस्तों यहाँ से ना हम बैटिंग में से ना एक काम करते हैं, शुभमन गिल और यहाँ से पृथ्वी, यहाँ से साई सुदर्शन की जोड़ी को हम रख लेते हैं। तो ये चार प्लेयर्स हो चुके हैं दिल्ली के, यहाँ से गुजरात की तरफ से, है ना। अभी दोस्तों यहाँ से हम एक और प्लेयर पिक करेंगे, तो एक काम करते बाद में देखते। बाकी यहाँ से डेविड वार्नर लास्ट मैच खेले थे, इस मैच में भी इनको मौका मिलेगा। बाकी फेजर मैग्रक ने 20 रन की पारी खेली, तो मैग्रक और यहाँ से ना डेविड वार्नर और ऋषभ पंत। तो डेविड वार्नर आप बोलेंगे डेविड वार्नर तो फ्लॉप रहे, इनको क्यों रख रहे, क्योंकि इस ग्राउंड पर ना इनका 38 का एवरेज है, कितना का 38 का एवरेज है। तो दोस्तों इनको ड्रॉप करना रिस्की हो जाएगा मेरे हिसाब से, मैं यहाँ से पृथ्वी शॉ को भी रखूँगा। तो आठ प्लेयर्स हो गए, ऑलराउंडर से दोस्तों मैं यहाँ से रखूँगा अक्षर पटेल को, यहाँ से ये मेरे प्राइम लिस्ट में आएंगे। तो देखिए यहाँ से 9 प्लेयर्स आ चुके हैं। यहाँ से मैं बॉलिंग से ना दो बॉलर्स मेरे मस्ट है, कुलदीप यादव और खलील अहमद, इन दोनों को मैं ड्रॉप नहीं करूँगा। आप यहाँ से रिस्क क्या ले सकते हो, आप यहाँ से ना डेविड वार्नर जो फिलहाल आउट ऑफ फॉर्म है, इनको या फिर पृथ्वी शॉ, इन दोनों को ड्रॉप में से किसी एक को ड्रॉप करके मुकेश कुमार जो जेन्युइन विकेट टेकर है दोस्तों, इनको और मोहित शर्मा में से किसी एक को टीम में रख सकते हो। मेरी टीम में कोई भी चेंज होगा नहीं दोस्तों, मैं इसी टीम के साथ जाऊँगा शायद। बाकी फाइनल टीम के लिए आपको हमारे टेलीग्राम पर अपडेट से लिए जुड़ना होगा दोस्तों, जो अपडेट्स होंगी फाइनल वो टेलीग्राम पर मिलेंगे आपको। मेरे कप्तान शुभमन गिल होंगे, वाइस कप्तान यहाँ से फेजनर मैग्रक को बना के हम टीम सेव करेंगे। हमारी टीम देख लीजिए दोस्तों, इसमें किसी भी तरीके का कुछ भी चेंज होता है दोस्तों वो आपको हम टेलीग्राम पर अपडेट करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करना। दोस्तों आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो देखते थे हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो दोस्तों, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा दोस्तों, क्योंकि वहीं पर आपको प्राइम अपडेट मिलेगी। और यूट्यूब चैनल को जब सब्सक्राइब करोगे ना, नोटिफिकेशन के घंटे को ऑल ज़रूर कर देना, क्योंकि तभी दोस्तों आपको हमारे वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिलेंगी ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।